करते हैं सर। पहला रूब्रिक जो हमारे इसमें आज के लिस्ट में है, दैट इज कल ही ये होना चाहिए था लेकिन ज्यादा ये सारे छूट गए थे। तो आज का जो पहला रूब्रिक है दैट इज बिजी फ्रूटलेसली। फ्रूट्स मतलब क्या होता है? फ्रूट का मतलब क्या होता है? फ्रूट क्या होता है? फल, किसी चीज का फल निकलना। हाँ फल। और फ्रूटलेस का मतलब क्या होता है? जिसका फल, जिसका कोई परिणाम ना निकले। तो और बिजी का मतलब क्या होता है? अगर कोई आदमी व्यस्त है उसको बिजी कहा जाता है, चाहे वो काम में व्यस्त हो चाहे किसी क्रियाकलाप में व्यस्त हो, लेकिन जो भी वो काम कर रहा है बिजी फ्रूटलेसली है ना, उसमें उसको कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, उसको जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसके अंदर। इसके अंदर देखो तीन मेडिसिन बहुत ही प्रोमिनेंट इसमें दिखाई देती हैं। एक होता है एपिस, एक है लिलियम टिग और एक है वेराट्रम एल्बम। एक इग्नेशिया भी है इसके अंदर। तो ये एक चार पांच मेडिसिन हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट इसके अंदर हैं। बिजी फ्रूटलेसली का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को जो भी वो काम कर रहा है उसको ऐसा महसूस होता है, उसको ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि वो जो कुछ भी काम कर रहा है उसमें उसको जैसा परिणाम मिलना चाहिए, जैसा फल उसको उसकी मेहनत का मिलना चाहिए वैसा फल उसको नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आप इसके अंदर अगर आप देखें, एक मेडिसिन है इग्नेशिया। तो इग्नेशिया को जनरली हम लोग देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ होती है वो। इग्नेशिया को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ इतना लोगों के लिए कर रही है, इतना घर वालों के लिए वो मेहनत कर रही है, जैसे कि आपने उस फिल्म में भी देखा था। लेकिन जैसा उसको मान सम्मान या जैसी इज्जत या जैसा उसको उसका फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि लोग उतना ध्यान या लोग उसकी उतनी इज्जत नहीं कर रहे जितना उसको मिलना चाहिए। ऐसा ही एक मेडिसिन है वेराट्रम। तो वेराट्रम एक्चुअली लोगों के सामने अपनी एक ऐसी इमेज, एक ऐसा अपना इमेज तैयार करना चाहता है जैसे कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, जो बहुत ज्यादा अमीर है, जिसके बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, जो बहुत ही बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा और एकदम नवाब जैसा इंसान है, बहुत राजा महाराजा टाइप का इंसान है। लेकिन लेकिन अगर लेकिन अगर उसको ऐसा लगने लगे जितना जिस हिसाब का उसके पास गुण है वैसा उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वो वेराट्रम हो सकता है। ऐसी मेडिसिन आ जाता है लिलियम टिग। लिलियम टिग में दो चीजें होती हैं, जैसे इसके अंदर लिलियम टिग अगर आप देखो तो दो, इस नाम को ऐसे मेटाफोरिकली अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इसके अंदर एक लिली है और एक टाइगर। लिलियम टिग है ना, लिली है और टाइगर है। तो इसके अंदर लिली यानी एक प्लांट वाले कैरेक्टर्स भी हैं और टाइगर यानी एनिमल क्वालिटीज भी हैं। तो लिलियम टिग में उसके अंदर सेक्सुअलिटी भी है और रिलीजियसनेस भी है। अब इसका कॉन्फ्लिक्ट इसी में चलता है कि उसको रिलीजन और सेक्सुअलिटी इनमें से किस तरफ जाना चाहिए। एक तरफ उसका मन रिलीजियसनेस की तरफ भी भागता है और एक तरफ सेक्सुअलिटी की तरफ भी भागता है। इन सब के दौरान उसके मन में ऐसा आ जाता है कि यार वो जो भी कर रही है ना उसका उसको फल नहीं मिल पा रहा है, जो भी वो कर रही है उसका परिणाम उसको वैसा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है रिलीजियसनेस का और सेक्सुअलिटी का, तो वो मेडिसिन हो सकती है लिलियम टिग। नेक्स्ट जो रूब्रिक हमने देखा था, नेक्स्ट जो रूब्रिक हम लेने वाले थे वो था क्लेप्टोमेनिया। आप लोगों को एक कैरेक्टर याद होगा फिल्म, ये कौन सी फिल्म है, एडवेंचर्स ऑफ टिनटिन, देखा है आप लोगों में से किसी ने? Adventures of Tintin, Hollywood की मूवी है, कार्टून मूवी है, कार्टून मूवी है ये, यस सर, और एनिमेटेड मूवी है।
उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है जो है तो बहुत अमीर, जो बहुत ही अच्छे घर का है, लेकिन उसको लोगों का पर्स चुराने की आदत रहती है, ठीक है। उसको उससे कोई मतलब नहीं है, यानी उसको उस पर्स से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि उसको वो अमीर बनना है इसलिए वो चोरी कर रहा है, बस उसको वो एक इंटेंस इम्पल्स है, उसको इरेस्टिबल डिजायर है उसको कि नहीं मुझे चोरी करना ही है। तो तुच्छ मूल्य की वस्तुओं की चोरी करने की जो प्रवृत्ति होती है, तुच्छ यानी बहुत छोटी कीमत वाली, वो पर्स चुरा कर वो कोई बहुत अमीर नहीं हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फीमेल है या कोई लड़का है जिसको ये क्लेप्टोमेनिया है, तो वो अगर कहीं जाता है तो वहां से उनके घर से सपोज करो कोई छोटी छोटी कोई हेयर पिन की क्लिप है वही उठा कर ले आएगा। अगर एक क्लेप्टोमेनिया आपके आपके क्लिनिक में आया है तो हो सकता है आपके टेबल हुआ जो पेपर पेपर वेट है उसी को उठा के लेके चला जाए, बैग में डाल ले चुपचाप। अगर कोई क्लेप्टोमेनिया अगर किसी स्कूल में है, कोई बच्चा है, तो वो छोटी छोटी चीजें उठा के ले आएगा, जैसे जैसे शार्पनर हो गया। सपोज कोई टीचर ही है, वो बच्चों का शार्पनर चुरा लेगी या उसका किसी का कोई पेंसिल चुरा लेगी, नहीं तो पेंसिल का पेन का जो नॉब होता है वो ऊपर का ढक्कन ही चुरा कर ले आएगी। इन सब ये जो छोटी छोटी चीजें होती है इससे उसको कोई फायदा होने वाला है, लेकिन वो एक इरेजिस्टिबल डिजायर होता है। जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि एक फीमेल है जो जूतों की शॉप में गई है और वहां से वो एक सैंडल चुरा रही है, एक सैंडल चुरा कर वो अपने कबर्ड में रख रही है। ये दोनों इमेज दिखाया जाता है, दिख रहा है, और उस कबर्ड के अंदर एक एक ही पैर के अलग अलग तरह के सैंडल्स पड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये एक उसको उन सैंडल्स की जरूरत नहीं है, बट उसको मन है वो चीज चुराने का, वो चीज चोरी कर लेने का। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की प्रवृत्ति, जो छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी वस्तुएं चोरी करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। ये लोग अपने इस इंटेंस फीलिंग के आगे एकदम मजबूर से हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप इमेज देखें नेक्स्ट स्लाइड में, तो जो मैं एडवेंचर्स ऑफ टिनटिन का जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर का जो तस्वीर भी लगी हुई है, जिसमें पीछे कबर्ड में अलग अलग तरीके के अलग अलग के वॉलेट्स रखे हुए, तो वो सभी वॉलेट्स चुराता था बाजार में जाकर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लेप्टोमेनिया समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर।